morning, students. This is a debtors account for FY BCom students. Sam 2. Final single entry debtors account. That is a working note. Manan Prakashan, page number 13. Question number 3. Illustration number 3. इसमें हमें मालूम करना है क्रेडिट सेल्स. क्रेडिट सेल्स मालूम करना है इस अकाउंट से. क्रेडिट सेल मतलब उधार में जो सेल हुआ हो. कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है उसको हमें लेजर्स अकाउंट में पोस्टिंग करना है. सबसे पहले बताया ओपनिंग डेटर्स. ओपनिंग डेटर्स जो होते हैं, डेटर बेसिकली होते हैं एसेट्स, और एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस पे आता है. तो वो यहाँ पर है ओपनिंग डेटर्स. क्लियर? तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ड्रॉ डाउन. टू बैलेंस ड्रॉ डाउन, ठीक है. ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग डेटर्स 45,000 रुपीज का ओपनिंग डेटर्स आ रहा है पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, ठीक है. नाउ क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर जिस अपोजिट डायरेक्शन से आएगा एंड यहाँ पर अगर ओपनिंग है तो यहाँ पर क्लोजिंग. सो यहाँ लिखेंगे हम लोग बड़ा कॉमन. सो यहाँ लिखेंगे बाय क्लोजिंग बैलेंस. सो यहाँ लिखेंगे बैलेंस कैरी डॉट. सो द अमाउंट इज 56,000. ठीक है, ओपनिंग अगर डेबिट में आ रहा है तो क्लोजिंग आपका क्रेडिट में आएगा, याद रखिए इस बात को, ठीक है. दो एंट्रीज हमने कर दी. अब आ रहा है डिस्काउंट अलाउड जो है 2,500. डिस्काउंट अलाउड की जो बेसिकली एंट्री क्या होती है, डिस्काउंट इज एन एक्सपेंसिव टू द बिजनेस. हम डिस्काउंट देते हैं डेटर्स को, इसको देते हैं हम लोग डेटर्स. ये जो एंट्री है आप फोकस करिए डेटर्स क्रेडिट में है, ये क्रेडिट में जाएगा. क्लियर और नॉट? सो यहां लिखेंगे बाय डिस्काउंट अलाउड. डिस्काउंट अलाउड, discount is a nominal account, discount is an expensive to the business, ठीक है. debtors को दिया जाता है discount क्योंकि sales को promote करने के लिए, sales होने के लिए. तो discount allowed के लिए 2,500 है यहाँ पे. no problems. now sales return, अब debtor क्या करता है, जब हमने debtor को sale किया तो कुछ सामान वापस कर रहा है वो, हमारे पास वो सामान वापस आ जाता है, ठीक है. तो सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ये एंट्री है आपकी. और डेटर्स ऑफ द क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट में गए, तो यहां लिखेंगे बाय सेल्स रिटर्न. कितना रिटर्न कर रहा है, देखो सेल्स रिटर्न 4,000 नहीं बल्कि 8,500 का रिटर्न हो रहा है. नो प्रॉब्लम्स. नाउ इररिक्वरेबल अमाउंट का मतलब होता है कि डेटर से पैसा नहीं मिल पा रहा, वो बिजनेस को नुकसान हो जाए, और उसको हम कहते हैं बैड डेट. क्या कहते हैं उसको? और अगर बैड डेट होता है तो बैड डेट की स्ट्रीटेड एज ए लॉस फॉर द बिजनेस, और लॉस की एंट्री डायरेक्ट में आती है तो वो एंट्री होगी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है. सो बैड डेट अगेन डेटर्स ऑन द क्रेडिट साइड, सो बैड डेट क्रेडिट में है, यहां लिखेंगे बैड डेट. सो कितना पैसा है इसका बैड डेट का, देखिए 4,000. ये बिजनेस को नुकसान, ठीक है. सो हम ब्रैकेट में इररिक्वरेबल अमाउंट भी लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं कि भाई इररिक्वरेबल अमाउंट, ठीक है, मतलब बिजनेस को पैसा ये नहीं मिल सकता. दूसरी बात आ रही है बिल रिसीवेबल रिसीव्ड. 12,000 रुपया जो है आपका बिल का पैसा, बिल मिल रही है, एंड डेटर इज द गिवर्स, तो आएगा बिल रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. डेटर इज द गिवर, डेटर इज मतलब डेटर मतलब रोवी. इन द 12th स्टैंडर्ड वी हैव स्टडीड द बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रोवी अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. डेटर अगेन ऑन द क्रेडिट साइड, यहां लिखेंगे बाय बिल रिसीवेबल्स, बिल्स रिसीवेबल्स, ओके.
सो ये हो गया बिल एक्सेप्टेंस, बिल जो है वो ड्रॉन लिखेंगे आप या एक्सेप्टेंस लिखेंगे आप, ठीक है। तो 12,000 की बिल, उसके बाद आ रहा है बिल डिसऑनर, बिल रिसीवेबल डिसऑनर, जब ये बिल मिली थी 3,000 की डिसऑनर हो रही है, डिसऑनर हो रही है तो क्या होगी, एंट्री रिवर्स हो जाएगी, डेटर्स को डेबिट में लिखना होगा क्योंकि राइटर्स इज इट इज नॉट पे द मनी, उसने पैसा नहीं भरा तो स्टिल इज अ डेटर्स, वो डेटर्स ही रहेगा, डेबिट द रिसीवर्स बिल्कुल वो ले लेगा वापस, ऐसा ना हो, ये इसकी एंट्री होती है कि डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट 3,000 का अमाउंट है तो डेटर्स का डेबिट में है तो बिल रिसीवेबल से डेबिट में आएगा, तो बिल रिसीवेबल लिखेंगे यहां पे, बिल रिसीवेबल लिखने के बाद ब्रैकेट में डिसऑनर ऑफ द बिल, डिसऑनर ऑफ द बिल लिखेंगे 3,000 रुपया आपका डिसऑनर। उसके बाद आपका चेक डिसऑनर हो रहा है, अगेन 7,700 का चेक डिसऑनर हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है तो डेटर अभी डेबिट पे आएगा आपका, ठीक है। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, चेक वापस चला जाएगा डेटर के पास, डेबिट द रिसीवर डेटर्स एंड चेक गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, तो फिर वो डेटर डेबिट्स में है तो बैंक भी डेबिट्स में लिखना होगा, बैंक अकाउंट्स डेबिट्स लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिसऑनर ऑफ चेक, लिखेंगे आप डिसऑनर ऑफ चेक 7,700, इज क्लियर। उसके बाद आ रहा है कैश सेल्स, एंट्री है 80,000, कैश सेल्स एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट 80,000, दिस ट्रांजेक्शन इट विल नॉट कम इन द अकाउंट, देखिए डेटर्स यहाँ नहीं बता रहे, ये ट्रांजेक्शन नहीं आएगी, हमें इसको कैश अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, बट ये ट्रांजेक्शन डेटर्स अकाउंट में नहीं आएगी, इज दिस क्लियर। सो नाउ कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, देखिए 2,30,000 रुपीज जो है ना डेटर से मिल रहा है, डेटर इज द गिवर, डेटर इज द गिवर, सो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट, क्लियर है ना। सो अमाउंट इज 2,30,000, 2,30,000 सही है ना, 2,30,000। सो ये जो है कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डेटर्स ऑन क्रेडिट साइड, सो कैश ऑल्सो कम ऑन द क्रेडिट साइड, कैश अकाउंट यहां लिखेंगे आप, सो ये लिखेंगे कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड मिलेगा, पैसा मिला डेटर से तो यहाँ पे लेकिन 2,30,000, इज क्लियर। सो देन अगेन लास्ट इज चेक रिसीव फ्रॉम द डेटर्स, अब एक चेक मिल रहा है डेटर से 25,000, कितने का, अगर आप चेक मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये सुनो बैंक मतलब चेक मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ये सुनो 25,000 का चेक मिला है, 25,000 का चेक मिला, लेकिन डेटर्स अकाउंट और क्रेडिट साइड से बाय जो है टू एंड बाय क्रेडिट में, तो यहां पर लिखेंगे बैंक अकाउंट्स, सो यहां लिखेंगे चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड, सो ये हुआ 25,000, इज क्लियर, ठीक है। अब हमें मिसिंग फिगर मिलेगा, यहां मिलेगा क्रेडिट से, अब आप देखो ये पूरा ऐड करना होगा हमें, जैसा नो देखिए ऐड करके मैं आपको बताता हूं, सिंपल है, कैलसी अलाउड है, एफ आई बी कॉम स्टूडेंट्स को 2,500 रुपए का डिस्काउंट दिया गया लेटर को, ठीक है 8,500, इसका जो टोटल आ रहा 3,38,000 आ रहा है, ठीक है, यहां भी 3,38,000 लिखेंगे, अब ये अमाउंट को ऐड कर लेंगे, नाउ स्किप 55,700 को माइनस करेंगे 3,38,000 से, 2,82,300 जो है वो आपका क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल, क्रेडिट
सेम दिस इज बैलेंसिंग फिगर, ये सम्स का जो मेन हिस्सा था जो 2,82,300 इज दिस क्लियर. सो दिस आर द मेन पॉइंट वी नीड टू फाइंड आउट. अब ये हमें मालूम करने के लिए जो मेन जो मालूम करने के लिए सारी चीजों को बनाना पड़ेगा एंड दैट इज द बेसिक जर्नल एंट्रीज हाउ टू पोस्ट द जर्नल एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर्स अकाउंट फॉर बेटर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. Yes or no? If you like my video, please subscribe it, share it, and press the bell icon. And that's it.